उबल रहा है पानी यहाँ पर। ऊपर शिव भगवान की प्रतिमा है, यहाँ पर नंदी जी है, शिव मंदिर है। हवा चल रही है अच्छी खासी। पुराना वाला पुल तो ये पुराने वाले, पार्वती नदी बह रही है नीचे की तरफ। पशु ये सामने लिखा हुआ है प्राचीन श्री राम मंदिर, ये धर्मशाला है, इधर ये बना हुआ रुकने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो झंडी में आपका स्वागत है। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी मैं कसोल में हूँ, कसोल से जा रहा हूँ मणिकरण। तो दिखाऊँगा रास्ता कैसा है, इतना खूबसूरत दिखता है। मणिकरण साहब विजिट करूँगा और उसके पास के जो मार्केट हैं वो भी एक्सप्लोर करवाऊंगा और क्या माहौल रखा है। कसोल के मार्केट से होते हुए जा रहे हैं मणिकरण की तरफ। कसोल का ये मेन मार्केट है ये वाला, यहाँ से होते हुए जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 3 किलोमीटर है सिर्फ मणिकरण की दूरी। यहाँ से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है रहता है, तो आराम आराम से, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये पौंडीचेरी से भाई साहब थार लेके आ गए यहाँ पर कसोल में। तो क्या हिमाचल में लोग कन्याकुमारी, तमिलनाडु, केरला, सब जगह से पर्सनल व्हीकल लेकर, बाइक, कार सब लेके पहुंच रहे हैं। पहले बस से आते थे, टैक्सी से, अब खुद की गाड़ी से इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है कि गाड़ी से ही यहाँ विजिट अब करने लगे हैं। पहुँच गए, अब बहुत अच्छे अच्छे इधर होटल बन गए हैं। पहले कुछ वर्षों के पहले होटल नहीं थे इतने, लग्जरी होटल, बेसिक होटल थे कसोल में। अब क्या लग्जरी होटल भी कसोल में बन गए, अच्छे अच्छे, जैसे मनाली में लग्जरी होटल है वैसे यहाँ भी बनना चालू हो गया है। होटल मलबार कसोल अच्छा बना रखा है। यहाँ पे रास्ता ख़राब है लेकिन होटल अच्छा है। लेकिन उसके बगल में है होटल संध्या कसोल, वो भी बड़ा होटल लग रहा है, अच्छा खासा है। हिमाचल में दवा के कंस्ट्रक्शन हो रहा है और हिमाचल में इतना ज़्यादा डिजास्टर का कारण भी है ये कंस्ट्रक्शन, जबकि कंस्ट्रक्शन सिर्फ यहीं के लोग अलाउड है, बाहर के लोग तो ज़मीन खरीद के मकान घर कुछ नहीं बना सकते, तभी हालत है। यदि बाहर के लोगों को अनुमति होती तब तो क्या होता पता नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी अति मचा रखी है। मनाया जा रहा है 10-10, 20-20, जिसके पास पैसा है करोड़पति हुआ जा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बिल्कुल है ही नहीं। बहुत ज़्यादा गैप हो रखा है अमीरी और गरीबी का। ये प्राइवेट बस चल रही है, प्राइवेट बस चलते रहती है, बरसैनी, मणिकरण, कसोल होते हुए, कुल्लू होते हुए जा रही है मनाली के लिए। तो मनाली से सीधे बसें सरकारी भी मिल जाती है और प्राइवेट तो दुनिया भर की चलती है बसें, कसोल के लिए, मणिकरण के लिए, बरसैनी के लिए। बरसैनी से जिनको आगे तो जाना है वो तो उस भी चले जाते हैं उस तरफ से होते हुए आगे की तरफ। कसोल से मणिकरण तक का रास्ता तो बढ़िया है, देख ही रहे हैं रास्ता चकाचक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2 महीने पहले आया था तो कहीं बीच बीच में थोड़ा डैमेज था, बाकी कुल मिला के रास्ता तो 99% रास्ता बढ़िया ही है। 1% रास्ता क्या है, बीच में थोड़ा ख़राब है बस। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है रास्ता धीरे धीरे, क्योंकि मणिकरण और थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई पे स्थित है कसोल टाउन से। यहाँ पे थोड़ा रास्ता डैमेज हुआ था, आधा हिस्सा तो सही सलामत ही है, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। व्यू देखिए पहाड़ों का, जबरदस्त दिखाई दे रहा है, लाजवाब व्यू है बिल्कुल। बहुत सारे लोग खासकर पंजाब से बहुत लोग आते हैं मणिकरण साहब घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, सालों भर ज़्यादा भीड़ रहती है। आम लोग तो आते ही हैं पर्यटक बाकी जगहों से, वो तो घूमने के लिए आते हैं कसोल, तो मणिकरण में घूम लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, लेकिन खासकर पंजाब से तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। गुरु नानक साहब यहाँ पर आए थे तो
की मान्यता है, आस्था है, दूसरे लोगों को भी आस्था यहाँ पर बनी हुई है, इसलिए फ्रिक्वेंट विजिट करते रहते हैं उसे। अब इधर धूप चली गई है, छांव आ गई है, जैसे ही छांव में आएंगे ठंड लगनी चालू हो जाएगी, धूप में रहेंगे तो तेज धूप लगेगी। अभी तो अक्टूबर के महीने में ऐसा ही होता है, और जैसे नवंबर दिसंबर आएगा फिर तो बिल्कुल ठंडी ठंड रहेगा। रास्ते सारे जिग जाग वाले हैं, पूरी घाटियाँ ही घाटियाँ हैं, लेकिन बाइक ड्राइव करने में इधर से ड्राइव करते हुए जाएंगे तो नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पे थोड़ा ये डैमेज हुआ था, रास्ता धस गई है, मतलब एक तरफ का रास्ता ठीक है, अभी वो बना नहीं है। और पहुँच गए हैं अब मणिकरण साहब गुरुद्वारा के पास पहुँचने वाले हैं। दूर से आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा जो बिल्डिंग बनी है सफ़ेद कलर की, वो मणिकरण साहब गुरुद्वारा है। तो अभी गुरुद्वारे में पहुँच के वहाँ फिर जाऊंगा, दर्शन करूंगा, लंगर भी चखूंगा, और उसके बाद यहाँ के आसपास के मार्केट को भी एक्सप्लोर करवाऊंगा मैं। तो बिल्कुल पहुंच गए हैं, और यहाँ से ये रास्ता चले आता है गुरुद्वारे की तरफ, सीधा रास्ता बरसैनी की तरफ चले जाता है। यहाँ से टर्न लेके नीचे जाते हैं और बाइक को लगाएंगे, कहीं अंदर लगाना होगा अंदर लगाएंगे, बाहर जगह मिलेगा तो बाहर ही लगा देंगे। उस तरफ जाना है, वहाँ है वो दिख रहा होगा दूर से गुरुद्वारा, इधर से ये रास्ता है होते हुए जाएंगे। तो पहले गुरुद्वारा में चलते हैं, वहाँ दर्शन करेंगे और फिर उधर आगे की तरफ मार्केट की तरफ जाऊँगा। तो पीछे दिखाई दे रहा है गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा के पास चलते हैं। तो गुरु नानक साहब यहाँ पर आए थे, रुके थे अपने शिष्य के साथ, और यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, उनके द्वारा ही गर्म पानी के कुंड का यहाँ पर निर्माण हुआ था। तो आइए चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसा दिखता है मणिकरण साहब गुरुद्वारा। यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, रुकना चाहे तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं। आगे गाड़ी की पार्किंग भी है फ्री की, बाइक भी फ्री में पार्क करें, कार भी फ्री में पार्क कर सकते हैं यहाँ पर। ये सामने मकान दिख रहा है, मतलब बिल्डिंग, ये पार्किंग है, बाइक कार जो भी लाना हो फ्री में ऊपर जाइए। फ्लोर में 2-3 फ्लोर का बना हुआ है ये वाला एंट्री गेट गुरुद्वारा जाने के लिए। तो चलते हैं गुरुद्वारा के अंदर और चल के वो दर्शन करते हैं। सामने जो दिख रहा है ये तो काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन लग रहा है, और ये छोटा सा द्वार है, इस द्वार को क्रॉस करते ही सामने दिखाई दे जाएगा गुरुद्वारा मणिकरण साहब का फ्रंट वाला। ये सामने पहुंच गए मणिकरण साहब गुरुद्वारा के पास। यहाँ पर हवा चल रही है अच्छी खासी, तेज हवा चल रही है, यहाँ पे नीचे बह रही है पार्वती नदी। यहाँ भी नुकसान हुआ था जब बाढ़ और बारिश आया था, तो गर्म पानी का यहाँ पर कुंड भी है स्नान करने के लिए। एक कुंड इधर है, पुराना वाला कुंड, तो ये पुराने वाले जो बिल्डिंग है इसमें ये बना हुआ है। और कितनी रफ्तार से यहाँ से पार्वती नदी बह रही है नीचे की तरफ, कसोल होते हुए वो आगे की तरफ वो तरफ चले जाती है। और यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे, उधर जो मकान दिख रहे हैं श्री राम टेम्पल है, उस तरफ हिंदू टेम्पल है, उधर मणिकरण साहब का उस तरफ वो छोटा सा मार्केट है बना हुआ, उस तरफ भी जाएंगे। अभी चलते हैं गुरुद्वारा के अंदर, पहुँच के पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ। ये वाला एरिया ये डैमेज हो रखा था, अभी भी रिपेयर हुआ है लेकिन अभी भी थोड़ा वो डैमेज है, इस तरफ का वो बना हुआ। गुरुद्वारे के अंदर आ गए हैं, अंधेरा ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा। इस तरफ ये गर्म पानी का कुंड है, अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर कुंड है, तो लाइटें नहीं जली हुई है। गुरुद्वारा जाने के लिए रास्ता इस तरफ से है, सामने सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जूता वूता खोलते हैं और चलते हैं ऊपर, जाके पहले माथा टेक लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं यहाँ पर जाकर। खाना ये लंगर में आ गया है, रोटी है, कड़ी है, चावल है और उधर दाल है। तो लंगर का चखते हैं।
लंगर चख लिया है, खा लिया है। अब गुरुद्वारा के अंदर घूमते हैं और आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या। गुरुद्वारे से आगे हूँ बाहर की तरफ, बाहर ये इस तरह का मार्केट है, शिव मंदिर है बगल में, उस शिव मंदिर के अंदर चलेंगे। जूता मैंने वहाँ खोल के रख दिया है क्योंकि जूता अलाउड नहीं है। इधर प्रसाद की दुकान है, इधर भी है, उधर ही प्रसाद की दुकान है, मार्केट बाद में चलेंगे, पहले शिव मंदिर के अंदर चलते हैं मणिकरण, और अंदर जाके पहले वो दर्शन कर लेते हैं अंदर जाकर। तो ये शिव मंदिर है और कुंड भी है गर्म पानी, मतलब जो नीचे भी गर्म पानी का कुंड था वो नहाने के लिए था, और यहाँ पर देखिए पानी लिटरली उबल रही है एकदम, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। देख तो यहाँ पे उबल रहा है पानी, यहाँ पर ये देखिए पानी बिल्कुल खौल रहा है, ये गर्म पानी। और इस तरफ भी यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पर भी लोग काफ़ी खड़े हो रखे हैं, लेकिन दिखाऊं ये लिटरली ये उबल रहा है पानी यहाँ पर। ऊपर शिव भगवान की प्रतिमा है यहाँ पर, बगल में पीछे वाला वो गुरुद्वारा है उस तरफ बना हुआ मंदिर है, ये मंदिर में चलते हैं जाकर वहाँ पर माथा टेकते हैं। पूरा फर्श गर्म हो रखा है, नीचे के लिए मैट बिछा रखा है, मैट में नहीं चलेंगे तो पांव बिल्कुल जल जाएंगे, इतना गर्म है यहाँ। नंदी जी हैं, शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर के अंदर जाके माथा टेक लेते हैं और माथा भी टेक लेंगे। शिव मंदिर के अंदर का इस तरह का व्यू है, यहाँ पर काफ़ी लोग आ रखे हैं सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए, अच्छा माहौल हो रखा है शिव मंदिर के चारों तरफ का। उधर भी गर्म पानी का कुंड है। शिव मंदिर में दर्शन कर लिए, अब चलते हैं मार्केट होते हुए राम मंदिर आगे की तरफ है, और रास्ते में इस तरह के ये दुकान लग रखे हैं, मतलब सुविनिया टाइप के कपड़े हैं, पर्स हैं, इस तरह का कुछ कुछ मार्केट बना हुआ है। होटल भी हैं, गेस्ट हाउसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं। ये होटल इधर बना हुआ, इधर ये सुविनियर के दुकानें हैं बने हुए, माउंटेन विला, होम स्टे। खैर कसोल तो बगल में ही है, रुकने की कोई दिक्कत तो है नहीं। मणिकरण बने हुए ऐसे छोटे छोटे दुकान हैं, मतलब कुल मिला के सारे सुविनियर्स गिफ्ट आइटम टाइप के शॉप्स हैं यहाँ पर बने हुए। लाइन से सीधे जा रहा हूँ, देखते हैं कितनी दूर है यहाँ से मंदिर। इस तरह का मार्केट है कुछ कुछ, ठाकुर ढाबा शर्मा गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस सारे ऊपर बन रखे हैं कमरे, और नीचे दुकान बनाकर रेंट पे डाल रखा है इस तरह से। मतलब गुरुद्वारा के पीछे पीछे ही आएंगे तो दर्शन करने के बाद शिव मंदिर, शिव मंदिर के आगे जाएंगे तो आगे जो राम मंदिर वाला एरिया है उधर पहुंच जाएंगे। ये आवाज़ आ रहा है, ये बज रहा है, अच्छा लगता है, हवा चल रहा है ठंडा ठंडा, तो इसलिए बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है। घरों में दरवाजे पे लटकाते हैं इसे खास करके इस तरह से। सारे इधर कपड़े की दुकान है, स्वेटर, बच्चों का स्वेटर, शॉल, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये आ गया रेस्टोरेंट, ठीक ठाक बड़ा ठीक ठाक रेस्टोरेंट बना हुआ है, इतना बढ़िया भी नहीं है लेकिन ठीक है कुल मिला के। इधर मतलब सारे उसी पर्पज़ से हैं, मतलब टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस में ऐसा ही रहता है, सारे दुकानें इसी तरह के होते हैं, गिफ्ट आइटम, स्वेटर, शॉल इसी तरह के होते हैं। आगे कुछ दूरी तक मार्केट दिख रहा है, उसके बाद आगे बिल्डिंग है शायद राम मंदिर, बस थोड़े आगे पर ही स्थित। मार्केट से बाहर निकल गए हैं, बाहर निकलते ही खुला व्यू है बिल्कुल, इधर ओपन, उधर तो बिल्कुल संकरा गली था, दुकान ही बने थे, अब इधर ये खुला खुला माउंटेन दिख रहा है, पहाड़, इधर ये एक मंदिर इधर बनी हुई है इस तरफ, प्राचीन मंदिर रघुनाथ जी का, ये वाला मंदिर सामने वाला। और यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं राम मंदिर की तरफ। पूरे मणिकरण में गर्म पानी निकलते रहता है, यहाँ से भी वो
गर्म पानी कहीं जो वाष्प वेपर धुआं जैसे निकल रहा है ना, लेडीज़ बाथ जेंट्स बाथ एकदम बन रखा है नहाने के लिए, उसी का ये धुआं निकल रहा है। और ये खूबसूरत मंदिर हिमाचल स्टाइल का बना हुआ, ये वाला हिमाचल में इसी तरह के आर्किटेक्ट के बनते हैं ज़्यादातर मंदिर। यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ विजिट करने के बाद कसोल तो है ही, मणिकरण साहब में घूमा, दर्शन किए, फिर वहाँ से शिव मंदिर में आया मार्केट है शॉपिंग करने के लिए, फिर इस तरफ आ गया बाहर की तरफ, खुला माहौल है, परिसर है, इधर भी दुकान बन रखे हैं। सामने दिखाई दे रहा है मुझे प्राचीन श्री राम जी का मंदिर, ये सामने लिखा हुआ है प्राचीन श्री राम मंदिर, ये धर्मशाला है, इधर ये बना हुआ रुकने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बिल्डिंग के जस्ट ऊपर में ही। तो मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री राम मंदिर, मणिकरण में स्थित है ये, सारा मणिकरण में ही आता है घूमने के लिए जितने एरिया है यहाँ पर, चाहे गुरुद्वारा हो और गर्म पानी का कुंड तो शायद यहाँ पर भी स्थित है, वहाँ स्नान कर सकते हैं या यहाँ पर भी स्नान करना हो तो यहाँ भी स्नान कर सकते हैं। ये पहुँच गए प्राचीन श्री राम मंदिर के पास, यहाँ पर पहाड़ देखिए ऊंचे ऊंचे बिल्कुल, ये धर्मशाला के कमरे बने हैं शायद ऊपर की तरफ, ये मंदिर है, सामने लिख रखा है बाथ नहाने के लिए जेंट्स और लेडीज़ के लिए उस तरफ। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और माथा टेकते हैं, मंदिर से आ गए माथा टेक के बाहर की तरफ, अब इधर से आगे से मार्केट घूमते हुए मणिकरण का बस स्टैंड है उधर से होते हुए फिर चले जाऊंगा जहाँ बाइक खड़ी है, बाइक वालों के मतलब अपनी बाइक वहाँ से उठाऊंगा और फिर जाऊंगा मनाली की तरफ। इधर भी मार्केट है उसी तरह के बने हुए सारे, इधर तो बर्तन वर्तन की दुकान, इधर भी बर्तन की दुकान, लाइन से बर्तन की दुकान है, बाकी सारे चप्पल जूते की दुकान, इधर कंबल बैग, इधर ढाबा, इधर भी बहुत कुछ ऐसा ही बना हुआ है, चारों तरफ दुकान ही दुकान है जिधर भी देखेंगे तो इधर। और यहाँ से फिर चलता हूँ आगे की तरफ, यहाँ इधर ये ब्रिज वही नदी के ऊपर बना हुआ है, पार्वती नदी है यहाँ पर, तो पार्वती के नदी के ऊपर ही ये ब्रिज बना हुआ है इस तरह का, बाइक वाले जा सकते हैं और बाकी तो अंदर जगह नहीं है जाने आने के लिए, इधर पार्वती नदी बह रही है। और यहाँ से आगे चल के दिखाऊँगा तो गुरुद्वारा भी दिखाई देगा, यहाँ से जूम करके दिखाऊँ गुरुद्वारा, वो सामने वो दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है पास में ही है। तो ब्रिज के बाहर हो आ गया हूँ, तो बता दूँ आपको मोटा मोटा कि इधर बहुत लोग आने वाले हैं, तो कुल मिला के रास्ता ठीक है, बसें भी चल रही हैं यहाँ पर, वॉल्वो बसें, कार से भी आना चाहे तो आ सकते हैं, रास्ता ठीक ठाक है, आराम से कसोल घूमिए, मणिकरण आइए, दर्शन करिए, अच्छा माहौल है। और जैसे जैसे नवंबर आएगा दिसंबर आएगा ठंड तो बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ इस तरफ, इधर कार पार्किंग की जगह है, बस स्टैंड भी यहीं पर है, सरकारी बस अड्डा हो या फिर प्राइवेट बस अड्डा मणिकरण का यहीं पर स्थित है। दिखाओ मैं तो पीछे की तरफ बस पार्क हो रखी है, कुछ होटल है यहाँ पर स्टे करने के लिए, स्टे करना है नहीं तो कसोल में तो ढेर सारे होटल हैं। पीछे मणिकरण साहब का जो गांव है ऊपर पहाड़ों पे बना हुआ दिख रहा है उस तरफ, तो कुल मिला के अच्छा है, मैं आया तो मुझे तो सब कुछ यहाँ पर बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने दिया ना पसंद आया होगा, तो आपके लिए यूजफुल होगा यदि पूरा कंप्लीट वीडियो आपने देखा होगा, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो रोड कंडीशन कैसा है कसोल का बताया, फिर मणिकरण का बताया, तो इससे आप अपना टूर प्लान आसानी से कर सकते हैं, सब कुछ ओपन है, सब कुछ खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसी तरह के मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा, जिससे आप अपना कुल्लू मनाली का ट्रिप और कसोल का ट्रिप यादगार बना सके और अच्छा घूम सके।